नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑफ पेज ईसीओ टेक्निक पे एक सीरीज शुरू किया है। उस सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इमेज सबमिशन के बारे में। तो आपको रिकैप के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो मैंने अभी तक चार पार्ट में, तीन पार्ट जो पिछला है वो मैंने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा इसमें कवर हुआ है मैंने सोशल बुक मार्किंग कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया आपको। एक कंप्लीट वीडियो इस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें लाइव डेमो के साथ। उसके बाद मैंने बात किया था कि गेस्ट पोस्ट सबमिशन कैसे करते हैं, कहाँ पे ढूंढते हैं, कौन सी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट सबमिशन, तो पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट शेयरिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये तीन वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जो कि पार्ट थ्री थे इसका, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट थे। आज हम बात करने वाले हैं इमेज सबमिशन के बारे में। तो इसमें पूरी डिटेल में बताऊँ कि क्या क्या मैं इमेज सबमिशन में आपको बताने वाला हूँ आज, कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ जो है डिटेल में बताऊँ। तो चलिए देखते हैं कि करके कि क्या होते हैं इमेज सबमिशन और इसमें आपको क्या क्या आज कवर करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले बता दें कि क्या होता है इमेज सबमिशन, व्हाट इज इमेज सबमिशन, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इमेज सबमिशन जो होता है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करता है। उसके बाद कुछ आपको रूल्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं इमेज सबमिट करने से पहले, क्या रूल्स हैं वो सब रूल्स बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद फाइनली मैं आपको कुछ लिस्ट बताऊंगा जहाँ जो वेबसाइट्स पे आपको जाके इमेज सबमिट करना है, जो कि जिनकी जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी काफ़ी हाई है, वहाँ पे करेंगे तो आपको फायदे होंगे। उस तरह के लिस्ट मैं जो है आपको बताने वाला हूँ उसमें। और फाइनली आपको मैं कुछ डेमो दूंगा कि किस तरह से आपको जाके इमेज सबमिशन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन बेसिकली क्या होता है, एक जैसे कि आप कोई भी चीज़ सबमिट, जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है, उसी तरह यहाँ पे हम इमेज शेयर करते हैं। वो सारी इमेजेस जो कि आप अपने आर्टिकल में यूज़ करते हैं, जो अपने आर्टिकल के बीच में आप इमेजेस लगाते हैं, उनको आप सबमिट करते हैं जाके, यानी कि उस इमेज को किसी वेबसाइट पर जाके अपलोड करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इमेज अपलोड को अलाउ करती हैं और ये कहती है कि आप मेरे साइट पे आके इमेज अपलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो होगी रैंक होगी। और जाहिर सी बात है कि वो इमेज किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है या फिर यूज़ किया हुआ है, तो वो वेबसाइट भी वो धीरे धीरे रैंक होगी। तो ये होता है इमेज सबमिशन का फंडा कि इमेज सबमिशन होता क्या है। अब इससे कैसे हेल्प मिलेगा आपको कि हाँ आपका साइट कैसे रैंक होगा, तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे कि आप कुछ गूगल में जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल में जाके आप कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपने सर्च किया, जैसे कि ऑफ पेज एसईओ ले लेते हैं, ऑफ पेज एसईओ सर्च किया आपने आप गूगल में, और जैसे कि इमेज टाइप में जब आप जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी इमेजेज आपको दिखती हैं। ये सारी इमेजेस कहाँ से आ रही हैं, कहीं ना कहीं से आ रही हैं, कोई ना कोई इसको यूज़ किया अपनी वेबसाइट पर, अपनी ब्लॉग में। जैसे कि ये इमेज को खोलते हैं तो ये इमेज जो है ये इस बंदे ने यूज़ किया हुआ है। तो क्या होता है, एक इमेज के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाता है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज को ये ऑफ पेज एसईओ टेक्निक चेकलिस्ट जो इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। तो ये वेबसाइट जो को एक ट्रैफिक मिला जो कि मैंने यूज ट्रैफिक दिया इसको थ्रू गूगल इमेजेस। ये इमेजेस जो है गूगल में रैंक हो चुके हैं जो कि यहाँ पे सर्च करने पे ये इमेजेस आ रही हैं ऑफ पेज में। तो जब आप भी अपने कोई इमेज को सबमिट करते हैं कहीं, तो वो क्या करेगा कि गूगल में वो भी लिस्ट आउट होगा, वो भी गूगल की सर्च में रहेगा, और जब भी कोई इमेज सर्च करेगा तो आपकी इमेज भी उस सर्च में आएगी। जैसे कि यहाँ पे सर्च में जारी इमेजेज आ रही हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेज आएंगी और फाइनली आप उस इमेज के थ्रू आपके वेबसाइट पे लोग आके विजिट करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है ये आपकी साइट को रैंक करता है। जैसे कि आपको मैं कुछ और इमेजेस दिखा देता हूँ, जैसे कि ई फिटनेस कॉर्नर में आप देखता हूँ मेरी ये वेबसाइट है, ऐसे कि तो ये सारी इमेजेस जो है ये मेरे वेबसाइट की है ऑलमोस्ट, जो मैंने यूज़ की हुई है, ये मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है, ये मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है। तो अगर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लैंड करेंगे, जो कि वो आर्टिकल जिसमें वो इमेज यूज हुआ है वो आर्टिकल खुल के आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इमेज के थ्रू रैंक करेगी। जाहिर सी बात है कि ये एक तरीका होता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि हाउ इमेज सबमिशन हेल्प करता है किस तरह से आपकी इमेज साइट को रैंक कराने में। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है जिससे कि आपकी जो इमेज सबमिशन है वो प्रॉपर होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि आप कोई भी इमेज जो आप यूज़ कर रहे हैं सबमिट करने के लिए, जैसे कि ये इमेज मैंने यहाँ पे सबमिट किया या फिर ये इमेज जो है इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रिजोल्यूशन उसका अच्छा होना चाहिए, वो इमेज थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ना कि कोई लो क्वालिटी का इमेज नहीं डालिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी इमेज जो ऑलरेडी नेट पे है उसको आप उठा के अगर सबमिट करते हैं तो वो डुप्लीकेसी में आता है, तो वो जल्दी रैंक नहीं होता है।
तो यहाँ पे ये होता है कि यूनिक इमेजेस अगर आप डालते हैं तो आपको नो डाउट 100% फायदा होगा, क्योंकि वो इमेज गूगल की लिस्ट में नहीं है, गूगल की डायरेक्टरी में नहीं है, वो इमेज जो है बिल्कुल नया इमेज है, फ्रेश इमेज है। तो गूगल उसको, या फिर कोई भी सर्च इंजन, गूगल यहाँ पे एक सर्च इंजन बार बार गूगल निकलता है, कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो उस इमेज को नोट डाउन करेगा, उसको साइट को रैंक करने में आपकी आपकी हेल्प करेगा। तो पहला चीज़ हो गया कि इमेज की क्वालिटी, दूसरी बात इमेज का जो आपका जो यूनिकनेस है उसको मेंटेन कीजिए, तीसरी चीज़ जब भी कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर टैग्स, इमेज का नाम जो होता है वो प्रॉपर रखिए, जो भी आपके टैग हैं, जो कीवर्ड्स हैं आपके, उस कीवर्ड के हिसाब से आप इमेज को, आप इमेज का नाम रखें, ताकि जो बंदा अगर वो कोई इमेज सर्च करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया था ऑफ पेज एसईओ सर्च किया था, तो जाहिर सी बात है कि इन इमेज के नाम में कहीं ना कहीं ऑफ पेज एसईओ रखा हुआ होगा, तभी जाके उसको पता चला कि हाँ ये इमेज में ऑफ पेज एसईओ टैग है जो कि यूज़ किया गया है, तो इस इमेज को गूगल ने सर्च में दिखाया है। तो उस तरह से ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, पहला हो गया आपको इमेज का क्वालिटी, दूसरा होगा कि यूनिक इमेज डालिए और उसमें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन डालिए, जो कि प्रॉपर कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं वो कीवर्ड को यूज़ कीजिए। और चौथी चीज़ जो फाइनली मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरह का कॉपीराइट यूज़ ना करें, जो कि इमेज जो ऑलरेडी कॉपीराइट इश्यू दे सकता है उस तरह का इमेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें आप। जनरली पिक्साबे का या फिर बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके आप यूज़ करते हैं, तो उस तरह की इमेजेस को करेंगे तो थोड़ी कम चांसेस होते हैं रैंक करने के। तो आप पिक्साबे से कोई भी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई कर लीजिए, उसको रीयूज़ करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा अपना उसमें कंटेंट डालिए, उसको बना के मिला के कुछ नया इमेज बनाइए, फिर आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको वो इमेज जो होगी वो एक तरह से यूनिक इमेज होगी, या फिर पार्शियली जिसको कह सकते हैं वो यूनिक इमेज होगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई आपको कि क्या आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगा, ये लिस्ट में आपको यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये सारी लिस्ट है जिसको भी आप करते हैं, इस पे आप जाके अपना इमेज सबमिशन, तो नो डाउट आपके लिए सबसे बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी जो इमेजेस है इनका जो डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी है काफ़ी हाई है, ये सारे 90 अबव हैं, उसमें से कुछ 89 से अबव ही है जो मैंने चेक किया है, तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका डीए पीए चेक करते हैं। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप किसी वेबसाइट का डी या फिर पेज अथॉरिटी यानी कि पीए कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी लिस्ट को ऑलरेडी, इसको मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि फाइनली हम क्या कैसे करना है इसको, हाउ टू डू इमेज सबमिशन, कैसे इमेज सबमिशन करेंगे। तो कुछ मैं आपको वेबसाइट्स पर लाइव डेमो करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इमेज सबमिट करना है और कैसे वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पे आपको टैग्स डालने हैं, कहाँ पे आपको उसमें कीवर्ड्स डालने हैं। आप चाहें तो अपने इमेज को ये कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं, ताकि बंदा वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके कि वो क्या है जिसपे कैसे आपको इमेज सबमिशन करना है। तो इमेज सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वेबसाइट्स का नाम मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि किस वेबसाइट पे करना है, मैं आपको कुछ उसमें से कुछ वेबसाइट्स को फिल्टर करके आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि लाइव दिखाऊंगा किस तरह से करना है आपको। सबसे पहले कि आप जो भी ये वेबसाइट खोलेंगे, जैसे कि ये पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई एम गुरु का imguru.com वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने अपना इमेज सबमिट किया हुआ ऑलरेडी, बहुत सारी इमेजेस पे बहुत सारे लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स जो मिले हैं, व्यूज़ कितने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है। उसी तरह से आपको डेवियंट आर्ट एक वेबसाइट है जिसपे कि आप सबमिट कर सकते हैं, इसमें भी लोगों ने अपना इमेज सबमिट किया हुआ यहाँ पे, और इमेजेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्स मिले हैं, कमेंट्स हैं, स्टार्स कमेंट्स जो भी है इस तरह से, और ये यहाँ पे अपना लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल खुल के आता है, तो वो सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं अपनी इमेज के साथ। एक टम्बलर है, टम्बलर पे भी आप कर सकते हैं इमेज सबमिट, मैंने टम्बलर को पिछली बार बुक मार्किंग के लिए यूज़ किया था कि आप अपनी सोशल बुक मार्किंग में टम्बलर के, यहाँ पे आपको फोटोज़ को भी अलाउ करता है, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन तीनों चारों वेबसाइट्स पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से लाइव करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला काम क्या करना है कि आपको जाके इसमें लॉगिन आईडी बनाना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, डायरेक्टली आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं और जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, विद इन अ 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर आप लॉगिन बना सकते हैं। तो लॉगिन बनाने में ही चकिएगा नहीं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत मतलब कि लंबा प्रोसेस है, तो आप इसमें लॉगिन आईडी हाईली रिकमेंडेड है बनाइए। तो चलते हैं इसमें अपलोड करने के लिए, सबसे पहले ऊपर आपको एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पोस्ट पर क्लिक कीजिएगा, न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हैं उसमें यहाँ से ब्राउज करके सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं फिलहाल ये आपको दिखाता हूँ, हाउ टू वॉइस ओवर इन वीडियो स्क्राइब, यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ डाल सकते हैं, यानी कि बहुत सारी इमेजेस एक साथ में डल के आएंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऊपर गिव ए पोस्ट अ टाइटल, या फिर यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं,
टैक्स का ऑप्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टैक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइटल डाल देते हैं, हाउ टू डू वॉइस ओवर इन वीडियो स्क्राइब। ये टाइटल है, लोगों को दिखाई देगा जब होम पेज पे आपका ये इमेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, फिलहाल मैं दिस इज अ टेस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल, दिस इज अ टेस्ट डिस्क्रिप्शन, कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी साइट का लिंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरी साइट जो है ये, मैं इसका फिलहाल लिंक डाल देता हूँ। रेफर माई वेबसाइट, लिंक डाल दिया मैंने। और एड इमेज, अगर मल्टीपल इमेज है मल्टीपल इमेज डाल सकते हैं ये। उसके बाद से टैग डालिए, टैग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इमेज मतलब कि किस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस इमेज में वो कीवर्ड नहीं रहेगा तो ये सर्च नहीं करेगा। तो यहाँ पे वॉइस ओवर इन वीडियो स्क्राइब डाल दिया, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। एक और टैग डाल दिए देते हैं, वीडियो स्क्राइब ट्यूटोरियल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। दो चीज़ें हो गई, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं आप डाल दीजिए आप उसको, और फाइनली शेयर टू कम्युनिटी पे क्लिक कर दीजिए। शेयर टू कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पोस्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन मैसेज देख रहे हैं कि पोस्ट हो चुका है, और इस तरह से कुछ आपका इमेज जो है वो दिखाई देगा, और फाइनली आपको यहाँ पे आपका एक लिंक दिखाई देगा। ठीक है, अब ये लिंक क्या है, एक आपको बैकलिंक भी मिलेगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि डू है कि नो फॉलो बैकलिंक है। ये एक नो फॉलो बैकलिंक मिला है यहाँ से आपको। बहुत सारी साइट जो है डू फॉलो भी देती हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सी साइट डू फॉलो देती है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दिए, और ये यहाँ पे अपना लिंक डाल दिया, यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया, और फाइनली आपने इसमें टैग ऑलरेडी डाल दिया है आपने। तो ये हो गया आपका एक इमेज सबमिशन कंप्लीट imguru.com पे। अब यहाँ पे चलते हैं अपनी फ्रंट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे वो फ्रंट पेज पे अभी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली पोस्ट किया आपने, जिससे से लोग उसको देखेंगे धीरे धीरे, वो आपकी साइट भी आपकी इमेज भी है वो फ्रंट पेज पे दिखाई देगी फिलहाल। और नहीं तो यहाँ पे आप जैसे वीडियो ट्यूटोरियल, इस पर अगर सर्च करते तो शायद आपकी फोटो में भी सर्च में आए, क्योंकि अभी मैंने डाला था तो अभी नहीं दिखा रहा है, तो ये सर्च में भी आएगा, हाउ टू वॉइस ओवर इन वीडियो स्क्राइब। जीरो सर्चेस दिखा रहा है, नहीं अभी रैंक नहीं हुआ, धीरे 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 करके रैंक होगा ये। और आप जाके अपनी प्रोफाइल में देख सकते हैं, इमेजेस में जो भी आपने अपलोड किया, जैसे ये इमेज मैंने अपलोड किया था, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन इस पर क्लिक किया, 3 मिनट एगो बैंडविड्थ, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आपको दिखाऊं सर्च में कि कैसा दिख रहा है, लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है। तो आप इसको ये प्रोसेस है करने का, इसको आप धीरे धीरे, आप आज अपलोड कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद इसको आप सर्च करेंगे तो आपकी आपका जो इमेज है वो भी सामने आएगा रैंक होके। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। दूसरा जो हमारा डेवियंट आर्ट करके एक ये है वेबसाइट है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका भी आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो अलेक्सा रैंकिंग कितनी है, 160 इसका अलेक्सा रैंक है। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब पॉपुलर वेबसाइट है। तो इस पे करने का भी सेम तरीका, इस पे भी आपको जाके पहले लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, और फाइनली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, चूज ए फाइल टू अपलोड, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये वाला इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। ये वीडियो देखिएगा, बहुत सारे आपको इसमें नए शॉर्टकट कीज मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो भी आपका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर डालिए, मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे चाहें तो अपनी साइट का यूआरएल डाल सकते हैं, सॉरी रेफर माई वेबसाइट, और यहाँ पे मीडिया आप यहाँ पे टैग डालिए,
यही है जो टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और आपको यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो भी कैटेगरी आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड है वो आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए। अभी अभी इसमें ढूंढना पड़ेगा कुछ, मे बी जो भी है मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। और इसमें और भी कुछ यहाँ पे एक ये आएगा, आपको नो कर दीजिए इसको, कंटेंट मेच्योर कंटेंट जो एडल्ट कंटेंट होता है 18+ उसके लिए है ये। यहाँ पे सबमिट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ओके ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारे इस इंटरनल है, सबमिट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन आ गया और आपका एक लिंक मिल गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये किस तरह का लिंक है, F12 प्रेस करेंगे और इस वाले पे जाके यहाँ पे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है ये डू फॉलो बैकलिंक दे रहा है, इसमें कहीं पे भी नो फॉलोअर का नहीं, कोई जिक्र नहीं है, ये एक डू फॉलो बैकलिंक है जो कि बहुत ही आपके लिए आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा, एक डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्या हुआ डेविएंट आर्ट पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर सर्च करते हैं, एक बार सर्च करके देखते हैं कि आपका ये इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी तो अपलोड किया है माइट बी, जैसे कि ये आया ना इस कीवर्ड से, इस कीवर्ड पे आपको ये सर्च मिला और भी ये सारे सर्च मिले, उसी तरह से वो जब आप जो मैंने अभी अपलोड किया वो भी धीरे धीरे रैंक होगा तो वो भी सर्च में आएगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड, हमारा जो टम्बलर है उस पर। टम्बलर में बेसिकली क्या है कि आप इस पर, मैंने पहली दफ़ा मैं आपको मैंने लिंक सबमिट करना सिखाया था कि किस तरह से आप लिंक सबमिट करेंगे, इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था। और ये टम्बलर जो है फोटो भी आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो पे क्लिक कीजिए, अपलोड फोटो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप जाके एक कोई भी फोटो जो भी आपको सेलेक्ट करना कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, एनिमेटेड वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो स्क्राइब, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको टैग में डाल देता हूँ। टैग में डालने के बाद यहाँ पे आप जो भी है आपको ये इस तरह से टैग डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो अपना वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हैं। एक्चुअली डालना उतना ये नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप यहाँ से डालिए ताकि ये होगा लोगों को पता चलेगा कि भाई इसमें आप क्या कर रहे हैं, और इसको पोस्ट कर दीजिए। फाइनली पोस्ट करने के बाद ये जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये आ गया है, यहाँ पे आपको बैकलिंक, यहाँ पे एक ये मिल गया आपको, ये एक डू फॉलो या नो फॉलो, ये भी एक तरह का है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि डू है कि नो है। आई थिंक ये नो फॉलो होना चाहिए मोस्टली, इसमें भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है नो फॉलो टाइप का। तो आप जो भी है ये नो या डू कुछ तो एक लिंक मिलेगा आपके लिए, हेल्पफुल होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। चौथा देखते हैं पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट के लिए आपको मैंने बताया था कि इस पे आपको पिछली वीडियो में कि आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, ये क्रोम एक्सटेंशन आप डालेंगे इसमें तो इस तरह का आइकॉन बन के आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे हैं आप। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, जो भी इमेज को आपको पिन करना है, सपोज कि मैं ये एक मेरा आर्टिकल है इस पे मैं जाके ये करता हूँ, सपोज कि ये वाली इमेज को मुझे पिन करना है, तो यहाँ पे जैसे माउस लेके आएंगे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि ये मोबाइल जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव शेयर इट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। शेयर इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पिंटरेस्ट पे जाके शेयर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। जो भी इससे रिलेटेड जो है वो सारी इमेजेज ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि जो मोस्टली लाइकली इमेजेस है उसके ग्रुप में ये आपको मोबाइल से रिलेटेड ग्रुप में ये ऑलरेडी डाल देगा, और यहाँ पे ये टेक ब्लॉग मैगजीन जो है जहाँ से मैंने उठाया है उसका लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देगा, इसको आप सेंड नहीं करना है। ये हो गया आपका इमेज। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये इमेजेस पे आपको वेबसाइट का लिंक ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये देखिए ये आर्टिकल पे जहाँ पे भी ये यूज हुआ है उस तरह से ही आ जाएगा। तो फाइनली आपको होम पेज पे दिखा दे रहा है, बहुत सारे ये इमेजेस डाले हुए हैं लोगों ने, जिस पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम आप जा रहे हैं तो इस तरह का एक इनका वेबसाइट आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक ये मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, अगर आपकी इमेज अट्रैक्टिव हुई तो नो डाउट आपकी ट्रैफिक आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक 110% मिलेगा। ये एक बहुत ही फेमस वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी जहाँ पे आप इमेज सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे आप लोग और भी इमेज सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि ये साइटें होंगे, गूगल प्लस हो गया, इंस्टाग्राम पे आप डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी सभी जानते हैं, तो मैं इन चीज़ों पे करके नहीं दिखाया ताकि आप
आपको ऑलरेडी पता है, किसी ना किसी तरह से आप इमेज सबमिट करते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रोफेशनल वे में नहीं करते हैं, ये आपका पर्सनल होता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप फोटो डालते हैं उसी तरह से। तो उसके अलावा जो भी वेबसाइट बचता है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनको मैंने करके दिखाया, और ये 4 मैंने करके दिखाया। बाकियों पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपको करना है, क्या इसमें अगर कोई इश्यू आता है। लेकिन सेम प्रोसेस सब में होता है, सबमिट करना होता है, टैग डालने होते हैं, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, और लिंक डालने का है, जहाँ से आप जाकर लिंक डाल देंगे तो आपकी जो इमेज होगी वो प्रॉपरली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे क्लियरली मैंने आपको नेट पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये बताओ पूरी तरह से कि किस तरह से इमेज सबमिट करना है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या फॉलो करना है इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मोस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी, अभी ये फोर्थ ट्यूटोरियल है, इसके बाद आगे अभी 5-6 वीडियोस और भी हैं, उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।